तेज खबर 24 में इस वक्त खबर आ रही है रीवा के सिमरिया से, जहां एक माह पूर्व दलित परिवार पर हुए हमले में घायल पत्नी के बाद पति की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन सहित स्थानीय ग्रामीण भारी संख्या में लाश को लेकर थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सिमरिया में तनाव की स्थिति को निर्मित होता देख रीवा से पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। इधर घटना को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिमरिया थाना के कौराहाई गांव निवासी दलित परिवार के ऊपर एक माह पूर्व हमला किया गया था। हमलावर पीड़ित परिवार पर देर रात सोते वक्त कहर बनकर टूट पड़े और पति पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पति को गंभीर हालत में रीवा संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां से घायल को दिल्ली रेफर कर दिया गया था। तकरीबन एक माह तक चले उपचार के बाद शुक्रवार को घायल की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव लेकर सिमरिया पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और आक्रोशित परिजनों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है।